नमस्कार, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे कि जब भी आप कोई भी दवा खाते हो, डायबिटीज़ की हो, बीपी की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, तो एक्चुअली होता क्या है। आइए जानते हैं एक्चुअली होता क्या है। मान लो कि आपने डायबिटीज़ की दवा खा ली, तो डायबिटीज़ जो पहले ज़्यादा था वो कम हो गया। तो आपने कभी सोचा कि वो डायबिटीज़ जो शुगर थी वो गई कहाँ? दोस्तों, वो शरीर के अंदर ही है। दवा ने क्या किया, खून में से शुगर निकाल दी और जो भी हमारे लंग्स है या किडनी है, लीवर है या फिर हार्ट है, उसमें डाल दी, किसी एक में डाल दी। मान लो किडनी में डाल दी तो धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाएगी, लीवर में डाल दी तो लीवर ख़राब हो जाएगा, लंग्स में डाल दी या फिर हार्ट में डाल दी तो हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दवा क्या करती है, खून में से शुगर निकाल देती है और कहीं एक जगह पे स्टोर करती है। कहीं भी स्टोर कर सकती है, कभी कभी घुटनों में भी वो चली जाती है तो घुटने का दर्द चालू हो जाता है। तो अधिकतर डायबिटीज़ वाले लोग को यही परेशानी होती है, कभी घुटना दुखता है, कभी किडनी डैमेज हो जाती है। एक्चुअली शुगर को बाहर निकालना चाहिए। पहली बात कि मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। जब मीठा नहीं पचता है बॉडी में तब डायबिटीज़ होता है, तो डायबिटीज़ बहुत ही डेंजर हो जाता है। तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं या कैसे हम निकाल सकते हैं बाहर, इसके लिए रोज़ 5-6 किलोमीटर आपको चलना है, वॉकिंग करनी है, हो सके तो ज़्यादा भी कर लीजिए, और टेंशन फ्री रहना है। टेंशन फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेंशन रहोगे तो फिर डायबिटीज़ टेंशन से ही होती है, मीठा खाने से नहीं होता है। फ्रूट्स भी खाओ, क्योंकि बॉडी को भी शुगर की ज़रूरत है और फ्रूट्स में भी शुगर होता है। अगर शुगर नहीं होगा, शुगर भी ज़रूरी है, वरना आपको ताकत नहीं आएगी। ताकत नहीं आएगी तो फिर आप डायबिटीज़ से कैसे लड़ेंगे? लड़ने के लिए ताकत चाहिए, लड़ने के लिए भी तो ताकत चाहिए। कहाँ से आएगी ताकत? दवा खाने से तो नहीं आएगी। दवा वही करेगी, खून में से शुगर निकालेगी, कहीं और स्टोर कर देगी। तो आप कभी ठीक ही नहीं होंगे। 15-20 साल लोग दवाई लेते हैं लेकिन ठीक नहीं होते, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो। एक के साथ दोनों फ्री में मिल जाएगा। डायबिटीज़ है तो कोलेस्ट्रॉल भी हो जाएगा, बाद में ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। ब्लड प्रेशर है तो दोनों पीछे साथ में ही आएंगे। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ खाओ लेकिन पचाओ भी। उसके लिए आपको 5-6 किलोमीटर चलना है, खुश रहना है, ये दो चीज़ करो तो ही आप में इम्यूनिटी बढ़ेगी और लड़ने में ताकत होगी, वरना नहीं होगा। दोस्तों, ये बेसिक चीज़ है जो लोग नहीं जानते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।